आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं अपनी बेटी को घर लेके जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? अरे चाचा जी, आप बीच नाटक में से अपनी बेटी को घर ले जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ये बताओ, ये नाटक नौटंकी करने से इसको क्या मिलेगा? अरे घर में रहेगी, चूल्हा चौका बर्तन करेगी, शादी विवाह होगा, सास ससुर का सेवा सत्कार करेगी, तो समाज में इसको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। तुम्हारा ये नाटक नौटंकी करने से इसको क्या मिलेगा? वाह चाचा जी वाह, आप लड़कियों के बारे में बेटियों के बारे में इतनी छोटी सोच रखते हैं। अरे हमारी बेटियां क्या नहीं कर रही हैं? बताइए क्या नहीं कर रही हैं? डॉक्टर है, इंजीनियर है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक बन रही हैं। लेकिन भैया कब? जब पढ़ेंगी लिखेंगी सुनो, अगर तुम्हारे पास बेटियां हैं तो उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, ये नाटक नौटंकी सिखाओ, मुझे अपनी बेटी को नहीं सिखाना है। चलो यहाँ से। तुम रुक क्यों गई? मैं आपके साथ नहीं जा सकती पिताजी, ये मेरी टीम है, मैं इनके साथ शो करना चाहती हूँ और मैं इन्हें ऐसे बीच में छोड़ के नहीं जा सकती हूँ पिताजी। आप कलाकारी मत देखिए और आप सच्ची मानिए, अपनी कला के माध्यम से समाज में कई कलाकारों ने सम्मान पाया है पिताजी, जैसे स्मृति ईरानी हो गई, तृप्ति मित्रा हो गई पिताजी, मैं भी उन्हीं कलाकारों की तरह समाज में सम्मान पाना चाहती हूँ, कृपया करके मुझे ये शो करने दे पिताजी। ठीक है बेटी, अगर तुम इसी क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहती हो तो या बाप तुम्हारी तरक्की में रोड़ा नहीं बनेगा, तुम्हारा सहयोग करेगा। जाओ बेटी, जी लो अपनी जिंदगी।
समाज का आईना है और अगर नारी सशक्त है तो यह आईना और भी खूबसूरत हो जाता है। संगीत एक ऐसी कला है जो उदात्त है, जिसे देखने सुनने से ऊपर हम महसूस करते हैं और इसे गहराइयों से महसूस किया है हमारे दिव्यांग कलाकारों ने। हमारे बीच प्रस्तुत कर रहे हैं होली गीत, जिसके बोल हैं होली खेल गए नंदलाल। जोरदार तालियां इन सभी के लिए। गहराइयों में बसती हैं जहाँ शुभ आचरणों का पर्यावरण होता है और इस सुंदर परिस्थिति को हम अवश्य ही अपने हृदय में बसा कर रखेंगे। एक बार जोरदार तालियां इन सभी कलाकारों के लिए। काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से कुछ ऐसे वाद्य जो कि जिन्हें स्वतंत्र वादन का मौका मंच पर नहीं मिलता, जैसे ढोल ताशा, उन सभी को स्वतंत्र मंच मिला और सारंगी जैसे लोकप्रिय वाद्य जो काशी में बहुत ही लोकप्रिय है उनको उनमें एक नई संभावनाएं मिली। और ऐसे वाद्यों को सभी वर्गों के कलाकारों को जो प्रतिभाग किए, उनके विजेता, उन सभी को एक मंच पर
एकत्रित कर एक सामूहिक प्रस्तुति आपके बीच प्रस्तुत होने जा रही है, वो है वाद्य वृंद की, जिसमें आपको सितार, सारंगी, हवाइन गिटार, वायलिन, बांसुरी, ढोल, पखावज, हारमोनियम, इन सभी को समायोजित करके एक वाद्य वृंद की योजना बनाई गई है, जिसे आपके बीच प्रस्तुत किया जाएगा। वाद्य वृंद की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, जो कि भारत में बहुत ही प्रचलित रही है, और आज उसे हम सभी इस मंच के माध्यम से जीवंत करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
साधना भी है और साध्य भी, ये वो योग है जिसे मार्ग और गंतव्य दोनों आनंदमय हैं। अब हम चलते हैं आपको लेकर लोक संगीत की सुगंध की ओर। उत्तर भारतीय लोक को अपने भीतर संजोए ये प्रस्तुति लोक संगीत में रची बसी है और जिसमें चैत्र मास की चैती एही थैया मोतिया हिराए गल रामा और होरी गीत होली खेले रघुबीरा और सावन मास की प्रसिद्ध कजरी मिर्जापुर कैला गुलजार और पूर्वी श्रृंगार गीत बांका बलम्मा आपके बीच प्रस्तुत होगा। एक बार जोरदार तालियां सभी कलाकारों के लिए।
जो गीत लोगों से निकलकर लोगों के हृदय को स्पंदित करता है वही तो लोक संगीत होता है। एक बार करतल ध्वनि इन सभी कलाकारों के लिए। अब हम लिए चलते हैं आपको लोकगीत से लोक नृत्य की ओर। लोक नृत्य की एक ऐसी श्रृंखला बनाई है जिसमें कर्मा का फ्यूजन नृत्य है, और कर्मा जो कि जनजातीय नृत्य है जिसमें जब नई फसल आती है तो उसके उपलक्ष्य में सभी नृत्य करते हैं, और उसके पश्चात कजरी नृत्य जो कि सावन में किया जाता है जिसमें ननद भौजाई की ठठोली है कैसे खेले जाऊ जेबू सावन में कजरिया, और उसके पश्चात फिर ढेड़िया नृत्य जिसमें भगवान श्री राम जब वन से पधारे थे तब उनकी नजर उतारने के लिए ढेड़िया नृत्य किया जाता था। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे लोक नृत्य के कलाकारों का।
हमें सहज ही जोड़ लेता है, इसीलिए हमारी आत्मा में बसता है। अब हम लोक से आगे बढ़ते हैं शास्त्रीय नृत्य की ओर, और शास्त्रीय नृत्य में 5 शास्त्रीय नृत्यों का ये कोलाज हम सभी ने यहाँ पर मंच पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो सुर भारती की मुख्य प्रस्तुति है, जिसमें कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी और ओडिसी, ये सभी नृत्य सम्मिलित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे नृत्य के कलाकारों का। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयं आहार्यं चंद्रतारादि तं नुमः सात्विकं शिवम्। जिसका अंग की संपूर्ण भुवन है, संसार का सारा साहित्य जिसका स्वर है, चंद्र तारे सभी जिसके आभूषण है, ऐसे सात्विक स्वरूप शिव को प्रणाम है। भगवान शिव की अत्यंत प्रिय नगरी काशी सांगीतिक वैविध्य का एक ऐसा सुंदर पुष्प गुच्छ सजाती है कि संपूर्ण भारत के सुगंध की अनुभूति यही होती है। आइए ले चलते हैं आपको सुर भारती के रंगों में सराबोर करने। बसंत आवल रे मधुकर गुन गुन अमुआ मंजरी कानन छावल रे सुन सुन सजनी हृदय प्राण मम हरखे आकुल भेल जर जर रिझसे दुख दहन सब दूर दूर चली गेल।
काशी और कांची यानी उत्तर और दक्षिण भारत न केवल पुरातन है अपितु ज्ञान और संस्कृति का भंडार भी है। दोनों संस्कृतियां ज्ञान, अध्यात्म, कला और शैववाद को साझा करती हैं और इनकी जड़ें गहराई से जुड़ी हैं। मैं भारत का कंठहार हूँ, भालचंद्र अविनाशी हूँ, शिल्पायन है मेरा कण कण, कला कुशल अभिलाषी हूँ, मैं काशी हूँ। तान दे तार चंद्रदानी भीम तान दे तार चंद्रदानी भीम तान दे तार चंद्रदानी भीम तान दे समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला ईश्वर का बनाया ये देश जिसे हिंदुस्थान कहते हैं।
और अब अंत में सारे 124 कलाकार एक साथ इस मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे, जिसमें कोई भी रिकॉर्डेड म्यूजिक नहीं होगा। और ये एक अद्भुत क्षण होगा जब हम सभी एक सुंदर तस्वीर आपके साथ साझा कर सकते हैं, सुंदर फोटोग्राफ आप सभी के साथ, हमारे माननीय के साथ साझा कर सकते हैं। बहके